नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत ऑफिशियल रनिंग द यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, एक बार फिर हम आपके लेके आए हैं गिव वे ऑफर जो दिया जा रहा है हमारे इस नेक्स्ट वीडियो यानी कि इसी वीडियो के अंदर जो नोकिया का फुल अनबॉक्सिंग 8.1 है, इसके अंदर में गिव वे ऑफर डाला है, एक ऐसे हिंट दे रहे हैं इसके अंदर जिसे आप जल्द से जल्द अपने कमेंट में लाइक में और शेयर करेंगे और इसके कमेंट के अंदर आप हमें लिखकर भेजेंगे कि वो क्या है या सबसे अच्छा कमेंट जो जिसका होगा उसे घर बैठे बैठे सरप्राइज ऑफर दिया जाएगा, चाहे वो पेटीएम के जरिए हो चाहे वो किसी भी तरीके से हो। तो आप जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक कमेंट करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, उनसे भी शेयर करवाएं। हो सकता है यह जो सरप्राइज गिफ्ट एक रखा गया है ये दो भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, कर दिया है नोकिया ने एक नया फ़ोन लॉन्च जिसका नाम है नोकिया 8.1, जिसे लोग X7 के नाम से भी जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी गोयल और आप देख रहे हैं ऑफिशियल सनी द यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं नोकिया 8.1 की फुल अनबॉक्सिंग और स्पेसिफिकेशन इस वीडियो में, बने रहे यूट्यूब चैनल पर। आ गया है नोकिया 8.1 का बॉक्स बिल्कुल सामने ही, क्योंकि ये कलर 3 में लॉन्च किया गया है, आयरन सिल्वर ग्रे कलर के अंदर। और देखते हैं कि बैक साइड में इसके क्या क्या स्पेसिफिकेशन दी गई हैं। इसमें जो डिस्प्ले लगाया गया है वो 6.18 इंच का लगाया गया है और इसका नाम रखा गया है जो प्योर डिस्प्ले, क्योंकि ये है दिखने में बिल्कुल नॉच जैसा है लेकिन इसका नाम नोकिया कंपनी ने अपने हिसाब से रखा है। इसका जो फ्रंट कैमरा है वो 20 मेगापिक्सल दिया गया है, मतलब कि नोकिया भी अब आ गया है सेल्फी फोन के अंदर। उसके जो बैक साइड में दो कैमरे दिए गए हैं, 12 मेगापिक्सल 13 मेगापिक्सल ड्यूल रियर कैमरा विद कार्जीरियस लेंस, जो नोकिया पहले लेंस यूज करता रही है। और जो उसके लिए फ्रंट कैमरे में 20 मेगापिक्सल का लगाया गया है वो एडवांस AI इमेजिंग यानी कि फोटो की क्लैरिटी को और ज़्यादा बढ़िया करने के लिए ये लगाया गया है। ड्यूल साइट मोड, इसके अंदर दो मोड दिए गए हैं जो कि मौसम के हिसाब से फ्रंट एंड रियर कैमरे में सेट किए जा सकते हैं। इसके जो प्रोसेसर लगाया गया क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 710 मोबाइल प्लेटफॉर्म लगाया गया है, जो कि बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर है जो कि मोबाइल को हैंग होने नहीं देता है। इसमें जो फास्ट चार्जिंग दी गई है वो काफ़ी अच्छी दी गई है, 2 डे बैटरी लाइफ दी गई है और बैटरी का जो बैकअप है बहुत अच्छा है और ये बैटरी 3500 mAh लगाई गई है। तो जल्दी से करते हैं इसका बॉक्स ओपन और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। बॉक्स ओपन हो गया है बिल्कुल और मोबाइल आ गया है बिल्कुल सामने। उससे पहले हम देखते हैं क्योंकि देखते हैं सिम एक्सेप्टर टूल और एक दी गई है यूजर मैनुअल जिसमें बताया गया है कि यह फ़ोन कैसा है, वारंटी क्या है इसकी। तो देखते हैं एसेसरीज में क्या दिया गया है, इस बॉक्स में क्या एसेसरीज है। दिया गया है एक अडेप्टर जो नोकिया जिसके ऊपर लिखा गया, बैक साइड बताया गया कि ये 3 एम्पेयर का अडेप्टर है, बिल्कुल फास्ट चार्जिंग के लिए बहुत ही अच्छा। और एक दिया गया है माइक्रो USB केबल और एक दिए गए हैं ईयरपोर्ट जो कि बहुत ही बढ़िया हैं, जिनका वैक्यूम वाले दिए गए हैं। तो ये तो होगी इसकी एसेसरी और देखते हैं कि मोबाइल कैसा है दिखने में और इसमें क्या क्या लगाया गया है। दोस्तों, बैक साइड देखने में ये लग रहा है कि ड्यूल कैमरा आपको बताया था कि वही है, और कार्जीरियस लेंस इसके अंदर यूज किया गया है जो नोकिया अपने पहले सिम्बियन फोन के अंदर यूज करता था, क्योंकि पहले फोन देने वाली नोकिया कंपनी थी जिसने अपना फोन सिम्बियन के अंदर स्मार्टफोन लॉन्च किया था। इसके अंदर जो बैक साइड है वो बिल्कुल ग्लास का लगाया गया है और पूरी बॉडी जो है वो मेटल की बनाई गई है। और करते हैं डिस्प्ले, इसको ओपन, डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है दिखने में, बहुत अच्छा है डिस्प्ले। इसके जो चार्जिंग टाइप है वो सी टाइप दिया गया है। तो दोस्तों, मोबाइल हो गया है ऑन, डिस्प्ले बहुत ही बढ़िया लगाया गया है इसके अंदर, जैसा कंपनी ने बोला है कि यानी कि दूसरी कंपनी में नोच का नाम दिया गया है और स्पेसिफिकेशन आपको उन्होंने बताई है। देख लेते हैं कि इसका सेंसर कैसा है, इसकी क्वालिटी कैसी है, फिंगरप्रिंट सेंसर के बारे में सिक्योरिटी में जैसे देखते हैं हम। फिंगरप्रिंट काफ़ी अच्छा है, 0.2 सेकंड लगाया गया है जो कि बहुत ही फास्ट है।
और इसको बिल्कुल जो इसमें कोई भी बटन नहीं दिया गया डिस्प्ले के अंदर, बिल्कुल एप्पल की तरह इसको फॉलो किया गया है कंपनी ने इसके सॉफ्टवेयर को। इसके अंदर जो एंड्रॉयड का वर्जन है वो भी लेटेस्ट है, बिल्कुल 5 वर्जन दिया गया है जो कि काफ़ी चलने में होपफुल अच्छा है। यह मॉडल 4GB 64GB में लॉन्च किया गया है और इसकी जो कीमत है लगभग 2700 यानी कि 27,000 रुपये के आसपास रखी गई है। तो देखते हैं इसकी कैमरे की क्वालिटी, फ्रंट की जो 20 मेगापिक्सल लगाया गया है इसका सेल्फी कैसा कैमरा है, कैसी इसकी क्वालिटी आ रही है, अभी चेक करते हैं इसको। तो कैमरा ओपन हो गया है और क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। अभी हम इस पिक्चर को ऐड करेंगे, इसके अंदर काफ़ी फास्टली काम कर रहा है, 20 मेगापिक्सल और फोटो बिल्कुल भी नहीं फट रही, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। और बैक कैमरा भी चेक कर लेते हैं हम इसकी क्वालिटी कैसी होती है। बैक कैमरा की क्वालिटी भी बहुत ही बढ़िया लगाई गई है जो कि बिल्कुल भी नहीं फट रहा है, इसका मतलब कैमरा क्वालिटी अच्छी है। और इसमें जो ड्यूल कैमरा को यूज करने के लिए मोड दिया गया वो दिया लाइव पॉके, यानी कि अदर कंपनियों ने मॉडल का नाम अलग रखा है, इन्होंने अपने एप्लीकेशन का नाम लाइव वोके रखा है जो कि इस दोनों कैमरे इसी लाइव वोके ऐप के अंदर काम करेंगे, ऑटो फोकस भी करेंगे। बहुत ही बढ़िया लगाया गया है क्योंकि कंपनी जो प्रोसेसर पर काम किया वो अच्छा है और कंपनी अब सेल्फी फोन पर काम कर रही है। तो देखते हैं कि यह ड्यूल सिम है या ड्यूल हाइब्रिड है। तो लेते हैं सिम कनेक्टर टूल, ये हो गया है सिम टूल से एग्जैक्ट। तो दोस्तों ये ड्यूल हाइब्रिड बनाया गया है, जैसे डबल सिम प्लस मेमोरी कार्ड नहीं है, ये एक सिम में एक मेमोरी कार्ड है। और देखते हैं इसका जो नीचे का चार्जिंग है वो सी टाइप दिया गया है और जो रिंगर स्पीकर है वो नीचे दिया गया है बिल्कुल, और यहाँ पर दिया गया है नॉइज माइक और ऊपर दिया गया है नॉइस कैंसिलेशन माइक, 3.5 mm का ऑडियो जैक ऊपर दिया गया है और फ़ोन को काफ़ी स्लिम ट्रिम मेटल बॉडी के अंदर डिजाइन किया गया है, यूनिबॉडी डिजाइन है। उसका फिंगरप्रिंट भी लुक काफ़ी अच्छी है, फ्रंट फ्लैश यहाँ दिया गया है और मतलब फ़ोन काफ़ी अच्छा सुंदर और बढ़िया है। तो ये फ़ोन बहुत ही अच्छा फ़ोन है। तो दोस्तों ये थी नोकिया 8.1 की फुल फीचर डिटेल, फुल अनबॉक्सिंग जो आपके सामने हमने की है। ये वही नोकिया कंपनी है जिसने पहला स्मार्टफोन लॉन्च किया था और दुनिया में तहलका मचा दिया था सिम्बियन बेस्ड स्मार्टफोन देकर। अब ये कंपनी ने दोबारा फिर अपना एंड्रॉइड के अंदर लॉन्च किया है, पहला ये स्मार्टफोन होगा जिसके अंदर स्नैपड्रैगन 710 प्रोसेसर यूज किया गया है। तो अभी तक ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो 710 स्नैपड्रैगन प्रोसेसर पर काम कर रही है, ये पहली कंपनी है। अब ये मानिए कि सेल्फी के अंदर प्लस फास्ट चार्जिंग के अंदर प्लस प्रोसेसर के अंदर सबसे पहली कंपनी नोकिया है और एक बार फिर नोकिया अपना तहलका मचा रही है अपना नया मॉडल 8.1 लॉन्च कर X7 के नाम से लॉन्च कर। ये पूरे वर्ल्ड में फेमस होने वाला ऐसा मॉडल है। आप हैंगिंग की जो बात है वो तो आप भूल ही जाइए कि आपका फ़ोन हैंग होगा, बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह एकदम चकाचक चलेगा ये फ़ोन। एक बार आप इसको मौका देंगे तो ये आपको बार बार मौका देगा। थैंक यू, धन्यवाद।